हेलो, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने एम एस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में हमसे पूछ रखा है कि ये जो कार्बन है 1, 2, 3, इसमें से कार्बन 2 और कार्बन 3 की आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं। हम पहले फर्स्ट वाला कार्बन इस फिगर को एक बार और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर जो है हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है, CNH और OH। पहले हम कार्बन टू पे कॉन्फ़िगरेशन अलॉट करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको चली जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको चली जाएगी। आपके पास सेकंड प्रायोरिटी आप देखोगे, अगर आप इसमें सेकंड प्रायोरिटी देखना चाहोगे तो ये सी डबल बॉन्ड OH है, तो इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन अटैच हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो किसको प्रायोरिटी चली जाएगी? सेकेंड इसको प्रायोरिटी चली जाएगी, थर्ड वाली प्रायोरिटी इसको चली जाएगी। तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? 1, 2, 3 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये है एंटी क्लॉक वाइज की डायरेक्शन, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? एस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो तो वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो एस होनी चाहिए, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर रिवर्ट हो जाएगी, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब ज़रा सा इस कार्बन पे हम देख लेते हैं। इस कार्बन पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी किसको चली जाएगी? सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले ग्रुप को चली जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी इस तरफ के ग्रुप को चली जाएगी। तो हम किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? 1, 2, 3। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? ये है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी आर, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अभी भी वर्टिकल लाइन पर नहीं प्रेजेंट है, तो आर की जगह पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी? एस। तो यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 पे R, 3 पे S। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? 2 पे R, 3 पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 73 में हमसे पूछ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन आर। अब आप देखो, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन का आप स्ट्रक्चर किस तरह से बनाओगे? 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट है? एक स्टीरियो आइसोमर ये है और दूसरा स्टीरियो आइसोमर ये प्रेजेंट है आपके पास। अच्छा, इसके अंदर यानी इवन स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इवन स्टीरियो सेंटर है, और मॉलिक्यूल क्या है आप देखोगे दोनों तरफ सिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इवन स्टीरियो सेंटर है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इस तरह का अगर होता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2^(n-2)^(n/2-1). इसको जरा अप्लाई करोगे तो 2^(2)-2^(2)-1, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 74 में हमसे पूछ रखा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ मीजो कंपाउंड। इसमें से कौन सा मीजो कंपाउंड नहीं है, मतलब 2,3-ब्यूटेनडाइऑल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप बताओ मीजो कंपाउंड होते क्या है? ऐसे कंपाउंड जो उसके पास दो काइरल सेंटर हो विथ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ज़रा सा देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर हम इसका किसी भी स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हैं। हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं? फर्स्ट कार्बन को होल्ड करते हैं, बाकी ग्रुप को फिर हम क्या कर सकते हैं? आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो हमको पता चल जाता है। तो हमने क्या किया, इस ऊपर वाले कार्बन को इस तरह से होल्ड किया, बाकी ग्रुप को हम क्लॉकवाइज, इन सभी ग्रुप को हम क्या करते हैं इस तरह से एक एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। आप एक बार इसको रोटेट करके देखो, आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके देखो। अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करके देखोगे तो आप क्या देख सकते हो इस ग्रुप में, कि जैसे मान लो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर दो, इस तरह से रोटेट कर दो आप इसको, ताकि सभी CH3 आपके एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो अगर आपने इसको एक बार इस तरह से रोटेट किया तो आप क्या देखोगे इसमें, कि ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, ये OH और H। तो अब आप बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड है? नहीं, ये तो कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो चीज़ है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्ट कर ही नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, इस वाले कंपाउंड में इसमें ये वाली चीज़ें प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह ऐड कर रही हैं। यहाँ पे भी अगर आप इसका इक्विवेलेंट फिशर ड्रॉ करोगे, जैसे इक्विवेलेंट कैसे फिशर, इस ग्रुप को यहाँ लेके और इस ग्रुप को यहाँ लेके और इस ग्रुप को इस तरह से, तो आप देखोगे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमिलर केसेस यहाँ पे भी हो जाएंगे। यहाँ पे कैसे, इस ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करो, इस ग्रुप को यहाँ शिफ्ट करो, फिर इस ग्रुप को इधर शिफ्ट कर दो, तो आप देखोगे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएंगे। लेकिन ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एमएस चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसे आप कमेंट मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।